हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एफ एक्स, एक एफ है, एक जी है। हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशंस कंपैटिबल कब होती है। इसका क्या मतलब होता है, इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड कन्वर्सली, यानी कि जो एक नंबर की इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो दो नंबर का भी सोल्यूशन होएगा, और जो दो नंबर के जो सोल्यूशन है वो एक नंबर के भी सोल्यूशन होएंगे। तो ऐसी दो इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंपैटिबल इक्वेशंस। अब हमने आर्टिकल भी करना है यहाँ पे, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं कि क्या कंडीशन होती है कि अगर दो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो कंपैटिबल है तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी। स्टूडेंट्स तो उसके लिए कंडीशंस को आपने डायरेक्ट याद करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये कंडीशन है, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस है, आपने एक को f और g मान लेना है, ठीक है, उनके जिकोबियंस निकाल लेने हैं आपने, ठीक है। जैसे कर ली एफ जी का जिकोबी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी, पी टाइम्स एफ जी का जिकोबी विद रिस्पेक्ट टू जेड कोमा पी, एफ जेड का जिकोबी वाई कोमा क्यू के साथ, क्यू टाइम्स एफ कोमा जी का जिकोबी जे जेड और क्यू के साथ। ये सारे एक्सप्रेशन निकाल के अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे जो दो हमारी इक्वेशंस हैं वो मेरी क्या है, कंपेटिबल है। तो देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने एफ और क्यू की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है जी, यानी कि इज इक्वल टू जीरो बना लो उसको। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, इसको हमने एफ लिख लिया, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसको उधर जाके जी लिख लिया। मुझे चेक करना कि दोनों इक्वेशंस कंपेटिबल है कि नहीं है, तो जो भी आपको कंडीशन लिखवाई गई थी ये आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो पहले एक्स पी के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जेड पी के साथ, फिर वाई क्यू के साथ, फिर जेड क्यू के साथ, ठीक है। तो जैकोबी तो आपको खोलना आता है स्टूडेंट्स, जैसे ये खोल के दिखाते हैं। तो पहले एफ का डेरिवेटिव एक बार एक्स के साथ होएगा, एक बार एफ का डेरिवेटिव पी के साथ, फिर जी का डेरिवेटिव एक्स के साथ पी के साथ, सेम हियर एफ का डेरिवेटिव जेड पार्शियल, एफ का पी के साथ पार्शियल। तो ये सारा एक्सप्रेशन आपने खोल लेने लेना है, ऊपर से आपने डेरिवेटिव्स निकाले, जैसे एफ एक्स है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ, यहाँ से पी आ जाएगा, जी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ, तो यहाँ से जेड पी माइनस टू वाई आ जाएगा, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव पी के साथ, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस पी के साथ करना, तो यहाँ पे क्यू है बेटा, ठीक है। इसी तरह सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के ये आपके पास एक प्रॉब्लम बन गई डिटरमिनेंट्स की, उसको तो आपको सॉल्व करना आता है। टू बाई टू का डिटरमिनेंट है, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, इसी तरह सारे खोल लेने आपने, ठीक है जी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, माइनस दिस कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस कर लिया। तो ये सारा कुछ आपको सॉल्व करना आता है, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट तो खोलने आते हैं, एमएससी क्लास का टॉपिक है। ये सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे आ गया एक्स पी इज इक्वल टू वाई क्यू, ठीक है। वैसे भी आपको पता है क्योंकि एक्स पी जो है y के इक्वल ही है, तो अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू y के पुट कर दोगे y के तो जीरो हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशंस क्या होगी, कंपेटिबल होगी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्व करना है। जब भी आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उन दोनों इक्वेशंस में से आपने p और q की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो आपके पास ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू जीरो है। दूसरी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दिया, एक्स जेड पी वाई आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पी और क्यू के लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा, एक बारी पी को इसके इक्वल करोगे, ठीक है, तो यहां से कॉमन निकल जाएगा ना आपका, ये टू एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो ये P की वैल्यू आ गई, इसी तरह Q की वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy, ठीक है, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, एक तरफ z वाले इकट्ठे कर लिए, ये हो गया d ऑफ xy, इंटीग्रेशन करके ये आपके पास आंसर आ गया। तो बड़ा आसान है कंपैटिबल सिस्टम का काम करना, सॉल्व करने के लिए P और Q की वैल्यू निकालो, dz इज इक्वल टू यहां पे पुट करो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन करते हैं इसके कंपैटिबल के, शो दैट इक्वेशंस आर कंपैटिबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले उनको f और g की फॉर्म में लिखिए, यहाँ पे देखिए ये आपकी कंडीशन है।
आपको पार्शियल डेरिवेटिव सिखाए हुए हैं, जेकोबियन खोलना आपको आता है, सारा एक्सप्रेशन खोल के वैल्यूज पुट करके आपने इसको जीरो के इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है जी। जब आपने इसको सॉल्व करना है इसके बाद, तो आपने दोनों इक्वेशन को अपनी क्या कर देना है, पी एक्स क्यू वाई की फॉर्म में लिख लेना, ताकि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लग जाए। तो ये पहली इक्वेशन को लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना चाहते तो सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पी और क्यू की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, इसको सॉल्व कर लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q की वैल्यू पुट गई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, किसने क्या किया, x को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। कई बार कुछ भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो dx मेरा जीरो हो गया, तो यहाँ से ये dz की ये मेरी वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या किया, जेड एक्स वाले की तरफ इकट्ठे कर लिए, वाई वाले एक तरफ इकट्ठे कर लिए, एक्स तो कॉन्स्टेंट ही है, तो जो ये इस चीज की इंटीग्रेशन होगी आपकी लॉग जेड माइनस एक्स, इसकी भी होगी लॉग वन प्लस एक्स वाई, लॉग वाई आगे लग गया, ये x को जो कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया। यहां से जो लॉग वाली टर्म्स को रीअरेंज करके, ठीक है, जैसे इसको जाके माइनस कर देंगे तो लॉग m माइनस n होता है लॉग m अपॉन n, दोनों तरफ से लॉग कट जाएगा, तो ये आपके पास पाई की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को द्वारा, वी गेट, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u अपॉन v रूल लगा के, v का स्क्वायर v एज इट इज, z का डेरिवेटिव dz, x का डेरिवेटिव dx, सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, dx dy dz वाले तीन हिस्सों में अलग अलग कर लिए, ठीक है, नीचे से जो फैक्टर था उसको भी तोड़ के अलग अलग कर लिया। इस इक्वेशन को आपने जो उसकी तीन नंबर इक्वेशन के साथ कंपेयर करना, तो वहां से आपका d phi जीरो आ जाएगा, क्योंकि तीन नंबर इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो में है, तो फाई आपका कॉन्स्टेंट हो गया। इस फाई की वैल्यू आपने जहां पे पुट कर देनी ऊपर, यहाँ पे तीन नंबर तो यहां से कंपेयर किया ना, तो फाई हमारा यहाँ पे बना था, यहाँ पे फाई की वैल्यू सी पुट कर देनी, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट इक्वेशन जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज कंपेटिबल विद एनी इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड वाई That is homogeneous. यानी कि आपको बताना इस तरह की जो कोई भी इक्वेशन है वो कंपेटिबल होगी इस इक्वेशन के साथ, जो होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके बाद आपने इस क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो एक इक्वेशन तो मुझे इसने ये वाली दी है, इसको मैंने जी मान लिया, ये जो मेरी इसको एफ का एफ ही माना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक को जी मान लिया गया, एक को हमने पी मान लिया, इसको मैंने जी माना, ये मेरा एफ है। तो कंडीशन पता है आपको कंपेटिबिलिटी की, ये कंडीशन होती है। अब मुझे एफ की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे वहां पे मैं एफ एक्स एफ पी एफ जेड एफ पी एफ वाई एफ क्यू वैसे ही रखूंगा, पर जी की वैल्यू पुट कर दूंगा जो जी के डेरिवेटिव होंगे। सारे डिटरमिनेंट खोल लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है जी। सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा, ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू वाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू जेड हो जाएगी इक्वल टू करके, तो आपके पास इतना आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने आयलर थ्योरम पढ़ी हुई है बीएससी लेवल में, अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस होता तो x कर लिया f ओवर x, y कर लिया f ओवर y, ये nf के इक्वल होता है, और f की वैल्यू क्या है मेरी जीरो, तो ये जीरो के इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया कंपैटिबल, ठीक है जी। ये तरीका हो गया। अब आपने जो हमारे गिवन साथ में कंडीशन थी, ये क्वेश्चन प्रूव कर रहा है, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्या है, ये एक आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री सेम रह रही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, कंपैटिबल। प्रूव करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर वाली कंडीशन लगा दी, पहली क्वेश्चन z is equal to px plus q y टाइप की है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो होमोजेनियस है x y z में, ठीक है। x y z का मतलब है कि डिग्री सेम रह रही है x y z की, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे z y की डिग्री 2 है, z x की डिग्री 2 है। अब सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया हुआ है, जैसे यहाँ से इसने क्या किया, एक नंबर में से p की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इस एक नंबर में से जो वैल्यू निकली वो दो नंबर में पुट कर दी, P की वैल्यू मेरी क्या निकली, ये वाली, यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, ठीक है, सॉल्व कर लो, ठीक है। अब क्योंकि इसको x के ऊपर कट जाएगा, जो कटता है काट दो, जैसे एक x इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, बाकी सारा मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व करते करते आपका यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो आपका कंप्लीट होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये नाइन वाई फोर है, वाई फोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लो, तो आपके पास दो आंसर आ गए बेटा यहाँ पे, ठीक है। दो डिफरेंट केसेस किए हैं, यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर वाई से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो दो आंसर आ गए। एक बार एक वैल्यू ले लो, क्योंकि जब पहला केस लोगे तो ऊपर पी में वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से पी निकल जाएगा। तो आपको पता सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, dz is equal to pdx plus qd by, वहाँ पे p और q की वैल्यू पुट करके इंटीजर के पहला आंसर आ गया। फिर आप ये सेकंड केस ले लो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे q की वैल्यू फिर लेके p की वैल्यू निकाल लेंगे, dz is equal to pdx plus qd by, एक तरफ z वाले इकट्ठे किए, इधर आपको पता लग रहा ऊपर डेरिवेटिव बना, तो log x के plus y के बन जाएगा। तो एक आपका सिस्टम आया अल्फा, एक आपका सिस्टम आया बीटा, तो अल्फा एंड बीटा आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन कंपैटिबल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंपैटिबिलिटी